PUBG एक ऐसा गेम जिसने आते ही गेमिंग इंडस्ट्री में अपना तहलका मचा कर रख दिया था। इस गेम को कौन नहीं जानता, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, युवाओं से लेकर के सब लोग इस गेम को जानते ही हैं। और इसका PC वर्जन रिलीज़ किया गया था 30 जुलाई 2016 को, जिसमें इस गेम ने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तो नहीं चला था ये गेम, लेकिन जब इसका मोबाइल वर्जन लॉन्च किया गया था 9 फरवरी 2018 में, तब जाके इस गेम ने बहुत ज़्यादा अर्निंग किया, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी गेन की इस गेम ने। तो दोस्तों इसका लाइट वर्जन भी निकला था, इसकी इनिशियल डेट तो अभी अगस्त 2019 है लाइट वर्जन की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चलने वाला इसमें से है PUBG मोबाइल, जिसके भी प्ले स्टोर में 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं। और इसके सामने आज हमारा मुकाबला करने वाला फ्री फायर। दोस्तों इस गेम दोनों की बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं, जगह जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन गेमों के बीच में भारी मात्रा में मतलब प्लेयर्स के बीच में रोज बाती होती रहती है कि ये गेम अच्छा है, वो गेम अच्छा है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो में। फ्री फायर जिसको कि लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2017 को, इस गेम ने आते ही तो उतना ज़्यादा नहीं गेन कर पाया था। इस गेम के बारे में लोग उतना भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस गेम के 500 मिलियन डाउनलोड से जो कि पबजी को कई भारी मात्रा में पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है। तो दोस्तों मैं सही में बता देना चाहूँगा, ना ही मैं फ्री फायर की साइड ले रहा हूँ ना ही पबजी की, लेकिन मैं जो जो सच बातें मैंने ऑब्जर्व करी है मैं वो सबको आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, फ्री फायर की तो 500 मिलियन डाउनलोड्स हैं, लेकिन फ्री फायर उतना मतलब पब्लिसिटी नहीं मिला था उसको। जब पबजी निकला था तो उस समय पबजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, जब क्योंकि पबजी का साइज़ बढ़ा है तो लोगों के मोबाइल में उसकी जगह नहीं होती थी इंस्टॉल करने की, तब जाके फ्री फायर का नाम उभरा कि फ्री फायर में MB कम लगती है, तो उसके 2 GB 1 GB रैम वाले मोबाइल्स में भी चल जाता था फ्री फायर, तब जाके फ्री फायर का ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ दोस्तों। उसके बाद जाके फ्री फायर पॉपुलेशन गेन करने लगा। और लेकिन दोस्तों भले ही ऐसा हुआ है, लेकिन फ्री फायर आज बहुत ही मात्रा में आगे, 500 मिलियन डाउनलोड से फ्री फायर के मोबाइल वर्जन। इसको PC में भी लोग खेलते हैं इमोलेटर की सहायता से दोस्तों, ये इसको हर जगह खेला जाता है, बहुत ही भारी मात्रा में इसमें भी प्लेयर्स हैं। और अच्छा, बहुत अच्छा गेम ग्राफिक्स है इसकी। एक समय था जब फ्री फायर के ग्राफिक्स थोड़े लो हुआ करते थे, आज फ्री फायर की ग्राफिक्स बहुत अच्छी है। दोस्तों फ्री फायर कई चीज़ों में पबजी को मात दे सकता है, क्योंकि जानते हैं फ्री फायर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब अच्छा मतलब टेक्निक के साथ बनाया गया है, जैसे कि ट्रीटमेंट गन हुआ, ग्लू वॉल हुआ जो कि पबजी में नहीं देखने को मिलता, ग्लाइडर हो गया, स्केटबोर्ड हो गया जो कि पबजी में देखने को नहीं मिलता सीधा सीधी। और पबजी भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उतना तो अच्छा नहीं कहूँगा, मैं एक फ्री फायर प्लेयर हूँ, लेकिन मैं फ्री फायर को उतना भी सपोर्ट नहीं कर रहा जो कुछ भी है मैं सच सच बताने जा रहा हूँ। और पबजी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, तो पबजी को लॉन्च किया था एक चाइनीज कंपनी ने जिसका नाम है टेंसेंट, जो कि आज दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो गेम्स के लिए कंपनी के नाम में जाना जाता है। उसने इसको 9 फरवरी 2018 को रिलीज़ किया था मोबाइल वर्जन में, जिसके बाद से ये बहुत ज़्यादा चलने लगा था। और फ्री फायर की बात करें तो उसको एक सिंगापुरियन कंपनी ने रिलीज़ किया था जिसका नाम है गेरिना, उसको 30 सितंबर 2017 को रिलीज़ किया गया था, जो कि मोबाइल और PC दोनों में खेला जाता है, इमोलेटर की सहायता से PC में खेला जाता है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन गेन किया कि सारे गेम्स को पीछे छोड़कर 500 मिलियन डाउनलोड्स खड़ा किया उसने। और दोस्तों बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री फायर कम डाटा का है तो मतलब कुछ ख़राब ग्राफिक्स है या कुछ भी ख़राब नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा HD ग्राफिक्स है, सब कुछ मिलता है दोस्तों इसमें। मुझे तो लगता है फ्री फायर पबजी से अच्छा ही है, लेकिन फिर भी जो पबजी प्लेयर हैं उनको ख़राब ना लगे, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों गेम एक कहीं ना कहीं अपने जगह पे अच्छे हैं। और इसमें भी कुछ कुछ सेम चीज़ें हैं, बस सब कुछ एक ही जैसा है, बस दोनों में यही बात है कि पबजी में बस एक बार में 100 मेंबर्स उतरते हैं एक आइलैंड में, इसमें 50 से या एक दो आगे बढ़ जाते हैं 51-52 तक, ये होता है दोस्तों। इस गेम में बैटल रॉयल गेम है, दोनों ही सेम टू सेम है, दोनों में ही प्लेयर्स उतरते हैं एक आइलैंड पर, और दोस्तों सर्वाइव करके आपको एक लास्ट मैन टू सर्वाइव रहना है, और लास्ट में जो जीतता है उसको या तो पबजी में चिकन डिनर और फ्री फायर में बोया मिलता है। दोनों गेम आपस में सिमिलर है, लेकिन आजकल लोग इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि मतलब ये गेम अच्छा है वो गेम अच्छा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, दोनों गेम ही बहुत अच्छे हैं, मुझको तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। लेकिन पबजी में खेलता था पहले, लेकिन उतना नहीं खेलता हूँ, कहीं ना कहीं दोनों गेम ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। करते हैं गेरिना फ्री फायर जो कि भी रैम्पेज सीजन चल रहा है, इसको रेट किया गया है 1200+, और इसका वर्जन है 1.49.0 है अभी इसका वर्जन, और अपडेट किया गया था इसको June 15, 2020 लास्ट। इसके डाउनलोड सबसे ज़्यादा 500 मिलियन डाउनलोड्स, जो कि समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा होता है। इसके साइज़ है 571 MB की, जो कि उतना भी नहीं होता है। इसमें प्राइस
₹10 से लेकर 9000 तक की आइटम खरीदी जा सकती है। इसको गैरिना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने रिलीज किया गया था नवंबर 2017 में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हो गई ये फ्री फायर की बात। और दोस्तों यहाँ पे रेटिंग की बात की जाए तो 3.9 स्टार रेटिंग है और 52 मिलियन रिव्यूज़ है जिसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इसको कंपेयर किया जाए अगर एज़ कम्पेयर टू पबजी, तो यहाँ पे पबजी की रेटिंग देखी जाए तो 4.1 स्टार्स की रेटिंग है जो फ्री फायर से थोड़ा आगे है। लेकिन यहाँ पे रिव्यूज़ की बात की जाए तो 29 मिलियन ओनली यहाँ पे हैं। तो इससे पता चलता है कि फ्री फायर हमारा रेटिंग रिव्यूज़ में ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन पबजी की भी एक इशू है दोस्तों कि मतलब पबजी का इतना बड़ा साइज़ है ना, तो कुछ कुछ लोगों के इंडिया में कुछ कुछ लोगों के मोबाइल्स में वो साइज से वो लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुछ ऐसा होता होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि पबजी कमज़ोर है तो ये वो है, लेकिन फिर भी फ्री फायर आज का हमारा विजेता तो फ्री फायर को ही मैं देना चाहूँगा, क्योंकि यार मैं भी खेलता हूँ फ्री फायर, तो फ्री फायर की साइड लेना तो बनता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू वाले बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों कमेंट्स में भर दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, फ्री फायर या पबजी। दोस्तों आप एकदम भर दीजिए कमेंट्स में क्या अच्छा लगता है। मैंने तो अपनी राय दे दी कि मुझे कैसा क्या लगता है, अब आप लोगों की बारी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे ये बात और लोगों को पता चल सके क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों दोनों ही गेम एक दूसरे से अच्छे हैं दोस्तों, एक दोनों गेम के बीच में कंपटीशन बहुत चल रहा है। ये मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए तो पबजी वर्सेस फ्री फायर की आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिल ही जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो डाल देता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे इस तरह कुछ अगले कुछ अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैशिंग गेम।